प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर चलाए जा रहे जेंडर आधारित हिंसा की रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। हम होंगे कामयाब पखवाड़ा के अंतर्गत ग्वालियर पुलिस अधीक्षक के निर्देशन और डीएसपी महिला अपराध के मार्गदर्शन में महाराजा बाड़े में नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र की महिलाएं, बच्चियों, बच्चे, पुरुष शामिल हुए। सभी को नुक्कड़ नाटक के माध्यम से महिला संबंधी अपराध जैसे छेड़छाड़, बलात्कार, घरेलू हिंसा, दहेज प्रताड़ना जैसी चीजों को लेकर बचाव के संबंध में जागरूक किया। साथ ही हेल्पलाइन नंबर डायल 100 1090 1098 181 आदि के उपयोगिता के बारे में बताया। हाँ तो मैडम तुम तो तुम बोल रहा ये 4 बजे की गाड़ी कहाँ है? अभी मेरे तो मेरे जल्दी लो, मेरे का समय बीता जा रहा है। गाड़ी आना चाहिए जब लोग गाड़ी आ रही है। नहीं आप दहेज मांगना कानून की अपराध है। अपराध है मैडम, लेकिन ये तो रीति रिवाज चले आ रहा है, वो तो करना पड़ेंगे ना आपको। मामा बेटी इसको तो कोई भी नहीं खाएगा, जानवर भी नहीं खाएंगे। जली हुई रोटियां, दाल में नमक नहीं है बिल्कुल भी। क्या कमी थी इस खाने में? पूरी कमी कमी है खाने में। आपने खाना फेंक दिया। क्या हो गया? क्या बात? मैंने इतना अच्छा खाना बनाया था, इन्होंने खाना फेंक दिया। खाना बना अच्छा है तो खा लेती। दहेज मांगना कानूनी अपराध है, जिसके लिए आपको 3 साल से लेकर 7 साल तक की सजा हो सकती है। कभी भी किसी भी शादी में दहेज ना मांगे, समाज में जागरूकता लाए। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जेंडर आधारित हिंसा की रोकथाम हेतु एक अभियान चलाया जा रहा है, हम होंगे कामयाब पखवाड़ा। हम जेंडर आधारित हिंसा जैसे महिलाओं पर जो अत्याचार होते हैं, घरेलू हिंसा, बलात्कार, छेड़छाड़, दहेज हत्या आदि जो अपराध महिलाओं के विरुद्ध होते हैं, उसको लेकर जनता को जागरूक करने के लिए अभियान चला रहे हैं, जिसमें हम आज एक नुक्कड़ नाटक का आयोजन कर रहे हैं, जिससे जनता को जागरूकता फैलाई जाए।